आइए बच्चों, क्लास टीचिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान के कक्षा 12 के कोर्स में जीव विज्ञान और मानव कल्याण यूनिट है। इस यूनिट का पाठ मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसका पहला पार्ट पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कैसे उत्पन्न करते हैं रोगजनक रोग। उसके बाद फिर आपको बताया गया था कुछ प्रोटोजोआन परजीवी, कुछ हेलमिंथ परजीवी, कुछ कवक परजीवी, जीवाणु परजीवी और उनसे होने वाली बीमारियां, उनसे होने वाले रोग। उसी के आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआन परजीवी और उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इस क्रम में सबसे पहले ये देखिए आप, ये हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आज आपको पढ़ना है मलेरिया। देखिए, मनुष्य में होने वाले सभी प्रकार के रोगों में मलेरिया सबसे अधिक विनाशकारी रोग रहा है, जो उष्णकटिबंधीय तथा कटिबंधीय क्षेत्र के देशों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। ये प्रोटोजोआन से होने वाला एक रोग है। 19वीं सदी तक ऐसा विश्वास था कि मलेरिया दलदली क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली गंदी गैस तथा नरम वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, बट ऐसा नहीं था। चार्ल्स अल्फांसे लेवरान, नाम फिर से सुनिए, चार्ल्स अल्फांसे लेवरान, ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे। इन्होंने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ नामक परजीवी से होता है। प्रोटोजोआ तो आप समझते ही हैं। इसके बाद डॉक्टर रोनाल्ड रोश, डॉक्टर रोनाल्ड रोश ने मादा एनाफिलीज के आमाशय में प्लाज्मोडियम की उपस्थिति को खोजा था, जिसके लिए इन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने की? डॉक्टर रोनाल्ड रोश ने। रोनाल्ड रोश ने पता लगाया कि मलेरिया मादा एनाफिलीज के द्वारा एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। मलेरिया परजीवी जो होता है, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, इसका जीवन चक्र दो पोषदों में पूरा होता है, मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज। किसमें? मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज। मनुष्य प्रथम पोषद है, मादा एनाफिलीज द्वितीय पोषद है, या इसका द्वितीय पोषद है। प्लाज्मोडियम की चार जातियां मनुष्यों में चार प्रकार के मलेरिया बुखार को फैलाने की उत्तरदायी होती हैं, जिसमें से सुदम तृतीयक मलेरिया, पहला है सुदम तृतीयक मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है,
यदि हर एक 48 घंटे बाद बुखार दोबारा चढ़ रहा है, हर 48 घंटे बाद बुखार 48 घंटे के बाद दोबारा चढ़ रहा है, उतर जाता है फिर 48 घंटे के बाद चढ़ जाता है, तो आप समझ लीजिए आपको जो इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का है। दूसरा मलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, दुर्दम तृतीयक मलेरिया, इसका प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा जो बुखार होता है वो दुर्दम तृतीयक मलेरिया कहलाता है। इसे सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। इसकी भी पुनरावृत्ति 48 घंटे के पश्चात होती है, परंतु इसके संक्रमण के परिणाम स्वरूप संक्रमित लाल रुधिराणु समूहों में चिपक कर रुधिर कोशिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे परिसंचरण बाधित हो जाता है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो ये ज़्यादा खतरनाक होता है, दुर्दम तृतीयक मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा फैलाया जाता है। इसे सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। इसके बाद में चतुर्थक मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा फैलता है और इसमें बुखार उतरने के बाद 72 घंटे बाद फिर से आ जाता है। फिर बुखार जब उतरता है तो 72 घंटे बाद फिर से आ जाता है। इस मलेरिया को सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहा जाता है। इसके बाद हल्का तृतीयक मलेरिया, यह प्लाज्मोडियम ओवल के द्वारा फैलने वाला मलेरिया है। देखिए प्लाज्मोडियम की चार प्रजातियां यहाँ पर बताई गई हैं आपको, चारों को नाम याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, जिसमें से प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा जो होता है, जो इन्फेक्शन होता है, उसमें बुखार की पुनरावृत्ति 72 घंटे के बाद होती है। अन्य तीनों में बुखार की पुनरावृत्ति 48 घंटे के बाद होती है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, इन दोनों का उद्भवन काल 14 दिन होता है। उद्भवन काल आप समझते हैं, मतलब जिस दिन आपको इन्फेक्शन होगा इनका, जिस दिन आपके शरीर में इस प्रकार के मलेरिया कीटाणु जाएंगे, मलेरिया के प्रोटोजोआंस आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, उसके 14 दिन बाद इसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद में प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसका उद्भवन काल 28 दिन, मतलब इन्फेक्शन के 28 दिन बाद आपको पता चलेगा, आपको बुखार आएगा। 28 दिन आपको नहीं पता चलेगा कि आपके शरीर में मलेरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का उद्भवन काल 12 दिन का होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सामान्य रोगवाहक बताए गए हैं, जो मलेरिया रोग के रोगवाहक हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर, ये मलेरिया बुखार को फैलाता है। एडीज मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, इन बीमारियों को फैलाता है। क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरियासिस को फैलाता है। सीसी फ्लाई के द्वारा फैलने वाली बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई, इसको सेट्सी फ्लाई भी कहते हैं, सीसी फ्लाई। देखिए यहाँ पर दो फ्लाई जो है इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, एक सीसी फ्लाई एक सेंड फ्लाई। तो सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी फैलती है और सेंड फ्लाई से काला आजार फैलता है। काला आजार भी एक तरह का बुखार है और बहुत भयंकर बुखार चढ़ता है। इसके बाद घरेलू मक्खी, ये भी स्प्रेड करती है, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, इस तरह की बीमारियों का वाहक है घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका। पिस्सू, आप जानते हैं रैट फ्ली, रैट फ्ली, इसके द्वारा प्लेग, प्लेग भी जो है एक महामारी के रूप में उभरी थी, प्लेग भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है, तो ये रैट फ्ली के द्वारा फैलती है। चूहे के शरीर पर जो पिस्सू पाए जाते हैं, जिनको किलनी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए मलेरिया रोग के लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि मलेरिया रोग का इन्फेक्शन है। तो बहुत ही सामान्य से लक्षण है, कंपकंपी के साथ तेज बुखार,
और बुखार की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, कंपकंपी की अवस्था ठिठुरन, फिर गर्म अवस्था माने बुखार आना, फिर तेज पसीना आना और फिर बुखार का उतर जाना। समझिए, पहले कंपकंपी आएगी, ठिठुरन जाड़ा लगेगा, फिर गर्मी लगेगी और बुखार खूब तेज़ी से आ जाएगा, उसके बाद में और ज़्यादा गर्मी लगेगी और पसीना आएगा और बुखार फिर थोड़ी देर के बाद उतर जाएगा। साथ में जिम चलाएगा, उल्टी भी हो सकती है, सिर व पैरों में तेज़ दर्द होगा और बुखार के बाद कमजोरी महसूस होगी, लंबी नींद की ज़रूरत महसूस होती है। आप समझ लीजिए कि मलेरिया रोग हो चुका है। प्लाज्मोडियम का मनुष्य में अलैंगिक जीवन वृत्त, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में देखते हैं एक मॉस्किटो जो किसी संक्रमित व्यक्ति में पहले खून चूस लिया है, वो आकर के एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कहीं पर भी बाइट करेगा, और जब बाइट करेगा तो लार के साथ में स्पोरोजॉइट्स मनुष्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे। फिर ये स्पोरोजॉइट्स ब्लड के साथ साथ में मनुष्य के रक्त में पहुंच गए, रक्त में पहुंच करके ये लीवर में पहुंच जाते हैं और गैमेटोसाइट्स बनाते हैं। गैमेटोसाइट्स बनाने के बाद लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो फट जाती हैं और ये पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। इस तरह से जब लाल रक्त कोशिकाएं फटने लगती हैं, स्पोरोजॉइट्स की संख्या शरीर में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो शरीर पीला पड़ने लगता है, शरीर पीला पीला दिखाई पड़ता है और इससे क्लियर हो जाता है कि मलेरिया का बुखार हो चुका है। इसके बाद अगला रोग है प्रोटोजोआंस से होने वाला पैचिस, इसको अमातिसार भी कहते हैं, अमीबी पैचिस भी कहते हैं। मनुष्य में अमातिसार रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। यह जलजन्य रोग है। जलजन्य मतलब ऐसा जल जिसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका पाए जाते हैं और वह जल किसी भी माध्यम से आपके मुंह में, आपके पेट में पहुंच गया, जैसे किसी गंदी जगह में पानी भरा हुआ है, उसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, आपने वहाँ हाथ धो लिया, उसके बाद खाना खाने से पहले ठीक से हाथ नहीं धोया, या कुछ भी खाने से पहले आपने दोबारा ठीक से हाथ नहीं धोया और गंदे पानी से जो अमीबा एंटामीबा आपके हाथों में नाखूनों में चिपक गया था और आपने अपने मुँह में हाथ लगा दिया, या किसी खाने पीने वाली वस्तु को आपने छू लिया और उस वस्तु को खा गए, इस तरह से संक्रमित पानी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से संक्रमित पानी के टच में जब आप आएंगे और अपने हाथों को बिना ठीक से साफ़ सुथरा किए आपने कोई खाद्य पदार्थ छू लिया और उसको खा लिया, या आपका हाथ किसी तरह से आपके मुंह में चला गया, तो एंटामीबा आपके मुंह के द्वारा पाचन तंत्र में प्रविष्ट कर जाते हैं और ये जा करके बड़ी आंत में संक्रमण करते हैं। बड़ी आंत में ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत में संक्रमण करते हैं, बड़ी आंत में ये घाव बना लेते हैं, बड़ी आंत की भित्ति में घाव बना लेते हैं और वो घाव बना लेते हैं इसीलिए उस घाव से ब्लड रिसता रहता है। इसके प्रमुख लक्षणों में पेट दर्द, मरोड़, बुखार, ये सब प्रमुख लक्षण में हैं। इसके संक्रमण से यकृत भी प्रभावित होता है। इसके बाद अगली बीमारी है हाथी पांव या फाइलेरियासिस। ये रोग फाइलेरिया क्रमी वोचेरेरिया ब्रैंकक्राफ्टाई के द्वारा मनुष्य में फैलता है। फाइलेरिया क्रमी कौन सा है?
वो चेरेरिया बैंक्रॉफ्ट आई। आपने देखा होगा कई कई लोगों का पाँव इतना मोटा हो जाता है जैसे हाथी का पाँव की तरह सो जाता है, तो उसी को कहते हैं फाइलेरियासिस। फाइलेरिया, फाइलेरियासिस बीमारी, ये बीमारी एक कृमि के द्वारा होती है। ये कृमि अंतः परजीवी होता है। इस कृमि का नाम है वो चेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। फाइलेरियासिस किसके द्वारा होती है? वो चेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई के द्वारा। ये कृमि अंतः परजीवी होता है, मनुष्य की लसिका वाहिनियों, पेशी ऊतक तथा लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है। मतलब ऐसे नहीं पाया जाता है, जब आप संक्रमित हो जाएंगे तब पाया जाएगा। जो भी व्यक्ति इससे संक्रमित होता है उस संक्रमित व्यक्ति के लसिका वाहिनियों में, पेशी ऊतकों में और लसिका ग्रंथियों में ये अपना आवास बना लेता है। इसके संचरण की क्या विधि है? ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। इसका संचरण ना हो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? मच्छरों की संख्या का नियंत्रण करने के बाद इससे बचा जा सकता है। फाइलेरियासिस के लक्षण क्या होते हैं तब आप बताएंगे। इससे प्रभावित अंग जैसे पैर, हाथ, वृषणकोष आदि अत्यधिक सूज जाते हैं, और पैर बहुत मोटा हो जाने के कारण ही इसे हाथी पांव कहा जाता है। अंगों की त्वचा व उपत्वचीय ऊतक बहुत मोटे हो जाते हैं, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। बुखार व लिम्फ गांठ में सूजन इसके प्राथमिक लक्षण हैं। इसकी जांच में रक्त में माइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति का पता लग जाता है। इस प्रकार आप फाइलेरिया को समझ सकते हैं। अगला एक कृमि रोग है एस्केरियासिस, बहुत कॉमन रोग है एस्केरियासिस। ये बीमारी किससे होती है? एस्केरियासिस रोग हेलमिंथ परजीवी एस्केरिस के द्वारा होती है। एस्केरिस मनुष्यों की आहार नाल में पाया जाने वाला एक पोषदीय अंतः परजीवी है। परजीवी तो आप समझते हैं, जो अपना पूरा पोषण किसी जीवधारी के शरीर के भीतर या शरीर के बाहर रह करके प्राप्त करते हैं उनको परजीवी कहा जाता है। शरीर के भीतर रह करके अपना पूरा पोषण प्राप्त करते हैं तो अंतः परजीवी, शरीर के बाहर रह करके पूरा पोषण प्राप्त करते हैं तो बाह्य परजीवी कहे जाते हैं। तो एस्केरिस जो होता है ये नेमेटोड्स है और ये अंतः परजीवी होता है, एक पोषदीय होता है, सिर्फ मनुष्य को संक्रमित करता है और पशुओं को भी संक्रमित करता है। इसके लक्षण बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। उदर सूल, जब इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उदर सूल होता है। इसके अलावा आंतरिक रक्तस्राव, आंत का मार्ग अवरुद्ध होना, बुखार होना, रक्त अल्पता एनीमिया हो जाती है, रक्त कम हो जाता है शरीर में। जो भी रक्त बन रहा है वो सब एस्केरिस पिए जा रहे हैं तो आपके शरीर में रक्त कम हो ही जाएगा। इसके अलावा दस्त होने लगते हैं, अपेंडिक्स परेशान करने लगता है। अपेंडिक्स आपके रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे वाला आखिरी भाग होता है, ठीक है, उससे ऊपर जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर जुड़ती है उसको सीकम कहते हैं। उसके नीचे जो भाग होता है बड़ी आंत का पूंछ जैसा निकला रहता है उसको अपेंडिक्स कहते हैं, तो अपेंडिक्स में परेशानी बढ़ जाती है। इस रोग का संचरण कैसे होता है? एस्केरियासिस बीमारी का संचरण कैसे होता है? रोग
मलमुखी मार्ग द्वारा संचरित होता है। एस्कैरिस कृमि होता है, उसके अंडे रोगी के मल में उपस्थित होते हैं और मल की उपस्थिति मिट्टी को संदूषित कर देती है। इस मिट्टी के संपर्क में आई कच्ची सब्जियों को बिना धोए यदि प्रयोग कर लिया तो एस्कैरिस के अंडे आपके शरीर तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, आलू खाते हैं, यदि इनको बिना ठीक से धोए हुए ऐसी ही तरह की सब्जियां या फल जो मिट्टी के अंदर या मिट्टी के संपर्क में उत्पन्न होते हैं, उनको यदि आपने बिना ठीक से धोए खा लिया और यदि वो एस्कैरिस कृमि के अंडों से संक्रमित हैं और आपने खा लिया तो कृमि के अंडे आपके शरीर में पहुँच जाएंगे और आपको एस्कैरियासिस की बीमारी हो सकती है। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? एस्कैरिस के अंडे दूषित जल तथा भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, तो इसके संक्रमण से बचने के लिए कुछ उपायों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कच्ची सब्जियां और फल अच्छी तरह धोकर और अच्छी तरह पका कर खाने चाहिए, ठीक से धोइए और ठीक से पकाइए। पीने का पानी शुद्ध तथा संक्रमण रहित होना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लीजिए। शौचालय साफ होना चाहिए तथा शौच के बाद सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मल और कूड़े करकट के निपटारे के लिए वैज्ञानिक विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। इसके बाद आंत्र ज्वर, जिसको टाइफाइड कहते हैं, बहुत कॉमन हो चुका है टाइफाइड। ये बहुत देर में पता चलता है, किसी को टाइफाइड की बीमारी हो जाती है बहुत देर में पता चलता है। टाइफाइड एक तरह का बुखार होता है, ये समय से आता है। आप रात भर सोएंगे, सुबह आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे और जैसे जैसे शाम होती जाएगी 4 बजे से आपको 2 बजे से शरीर ढीला होना शुरू हो गया और 4 बजे और थकावट आ गई, 6 बजे तो हल्का बुखार आ गया और 9 बजे तक बहुत भयानक बुखार आ गया और रात में फिर ठीक हो गए, सवेरे फिर स्वस्थ हो गए, ऐसे होता है। टाइफाइड का जो बुखार होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलने वाला बुखार है, ये ध्यान रखिए। साल्मोनेला टाइफी से, टाइफी मतलब टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से फैलने वाला जो बुखार होता है उसको टाइफाइड बुखार कहते हैं या फिर आंत्र ज्वर कहते हैं। ये आंतों को संक्रमित करता है। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है, बैक्टीरिया। विडाल परीक्षण द्वारा इस रोग का पता लगाया जाता है। विडाल WIDAL विडाल विडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड का पता लगाया जाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? संक्रमित भोजन तथा जल ग्रहण करने के 7 से 14 दिनों के बाद टाइफाइड का बुखार होता है, जो प्रतिदिन बढ़ता जाता है। 1 सप्ताह के पश्चात मनुष्य के आहार नाल की सक्रियता पर प्रभाव पड़ने लगता है। अत्यधिक तीव्र पेट दर्द, सिर दर्द, तेज बुखार 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा आंतों में रक्तस्राव, पैर व छाती पर छोटे मोटे गुलाबी दानों का उभरना, जीभ पर सफ़ेद पदार्थ जमा होना, भूख न लगना, पेट का मुलायम होना, कब्ज तथा अतिसार, अतिसार मतलब दस्त होना, कब्ज बनी रहना और बार बार दस्त लगना, ये टाइफाइड बुखार के लक्षण। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए, टाइफाइड एक जल जनित रोग है, तो वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता के उपायों के द्वारा स्वच्छ और रोगाणु रहित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करके इसको रोका जा सकता है। इसका टीका भी उपलब्ध है, टीका लगवा सकते हैं। इसके बाद निमोनिया। निमोनिया फेफड़े में होने वाला संक्रामक रोग है। छोटी उम्र में, कम उम्र में ये ज़्यादा संक्रमित करता है, बड़े हो जाने के बाद इससे संक्रमण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं
वृद्धावस्था में फिर से निमोनिया अपना प्रभाव दिखाता है। जब आप छोटे होते हैं, कम उम्र में इन्फेंट हैं, चाइल्ड हैं, उस अवस्था में निमोनिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रामक रोग है जो कि जीवाणु, विषाणु, कवकों और परजीवियों के कारण होता है। जीवाणु से भी निमोनिया हो सकता है, विषाणु से भी होता है, कवक से भी हो सकता है, परजीवी से भी हो सकता है। ये तो रोगाणु है सब, जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी जो है ये सब रोगाणु हैं। एक्चुअल में निमोनिया क्या है? एक्चुअल में निमोनिया कहते हैं कि आपके जब फेफड़े संक्रमित होते हैं तो उनमें एक प्रकार का म्यूसिलेज निकलने लगता है और फेफड़ों के जो एल्वियोलाई होते हैं उनमें वो म्यूसिलेज भर जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, घरघराहट होती है, खरखराहट आती है और बहुत जल्दी जल्दी सांस चलने लगती है, ऑक्सीजन पूरी तरह से ब्लड को नहीं मिल पाता है, तो हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और कभी कभी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि जब ज़्यादा म्यूसिलेज बन जाता है और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं सोख पाती हैं फेफड़े की दीवारें और उसमें जो रक्त के कण हैं वो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रोगी मर जाता है। तो निमोनिया को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, खास करके छोटे बच्चों में इसकी देखभाल कायदे से करनी चाहिए। इसका संचरण संदूषित वायु से होता है, जैसे किसी में जीवाणु, विषाणु या कवक के कारण निमोनिया है और वो खांसता है, छींकता है, तो ये रोगाणु हवा में आ जाते हैं। आप उस रोगी के आसपास में यदि कोई है या उस रोगी के प्रयोग किए गए बर्तन, कपड़े आदि को कोई स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति में भी निमोनिया के संक्रमण होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जीवाणु जनित निमोनिया, सर्वाधिक निमोनिया संक्रमण स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई जीवाणु के द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई रोग की जांच स्टेथोस्कोप से, वक्ष की ध्वनि सुनकर के, शारीरिक परीक्षण, एक्सरे तथा बलगम हुआ रक्त की जांच से की जा सकती है। इसके लक्षण वैसे तुमने बता दिया है, फिर से एक बार बता देता हूँ। खांसी में फेफड़ों से हरा अथवा भूरा श्लेष्म बाहर निकलता है, बुखार तथा कपकपी आती है, सांस छोड़ते समय छाती में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, होंठ तथा शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। ये निमोनिया के लक्षण होते हैं। इसके उपचार के लिए टीके हैं, प्रिवनार, न्यूमोवैक्स, ये प्रचलित टीके हैं। इसके अलावा सावधानी ही बचाव है। अब जुकाम की बात आती है, कॉमन कोल्ड, जुकाम। जुकाम जो होता है वो नाक कान सॉरी नाक और गले की श्लेष्मिक कला में विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। जब कोई वायरस इन्फेक्शन करता है तो नाक और गले की जो श्लेष्म कला होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें सूजन आ जाती है और जब सूजन आ जाती है तो उसमें से लसलसा पदार्थ छूटने लगता है। यही लसलसा पदार्थ जो होता है वो बार बार हवा की आवाजाही और शरीर की गर्मी के कारण गाढ़ा होता है, तो वो बलगम और नाक के रूप में बाहर निकलता है। जुकाम लगभग सभी लोगों को कभी ना कभी होता ही है। साधारण जुकाम राइनो वायरस द्वारा होता है,
राइनो, RHINO, राइनो वायरस। इस रोग में विषाणु बदलते मौसम में विशेषकर शीत ऋतु में श्वसन मार्ग की श्लेष्मिका पर प्रभाव डालता है। इससे श्लेष्मिका झिल्ली में सूजन आ जाती है। श्लेष्म के अतिस्रावण से गले में खराश, छींकना, नाक बहना, ये सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जुकाम के बारे में तो आप समझते ही हैं। जुकाम का कोई देखिए प्रभावी इलाज नहीं है। ये बिना किसी औषधि के 7-8 दिन में अपने आप ठीक हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपको रखना है। इसके अलावा इससे बचने के लिए आप आयुर्वेदिक दवाएं ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं का मतलब है कि जड़ी बूटी, काढ़ा, चाय, जो सांदा, इन सब से आप अपना बचाव करिए जुकाम के मामले में। इसकी कोई डायरेक्ट एलोपैथिक इलाज नहीं है। वायरस को मारने के लिए अभी तक एलोपैथिक मेडिसिन नहीं बन पाई है। एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं, जब वायरस इन्फेक्शन शरीर में होता है तो वो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं, लेकिन वो वायरस को मारने के लिए नहीं दी जाती हैं। वायरस को मारने वाली कोई एलोपैथिक मेडिसिन अभी तक नहीं बन पाई है पूरे विश्व में। आयुर्वेद में तुलसी, अदरक, काली मिर्च, अजवाइन, इसके अलावा नीम, गिलोय, एलोवेरा, इनको एंटीवायरस माना जाता है। ये सब वायरस को ख़त्म करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए वायरस से संक्रमित होने पर इनमें से किसी को या एक से अधिक को प्रयोग किया जा सकता है, जो हमने अभी आपको बताया। तुलसी, नीम, गिलोय, अदरक, नींबू, अजवाइन आदि। अब आपको बताएंगे कवक जनित रोग, कवक, रिंग वर्म या दाद रोग। दाद जो होता है ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम से होता है। ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्पोरम दाद को डर्मेटोफाइट भी कहा जाता है। दाद का संचरण जो होता है व्यक्ति से व्यक्ति में होता है। यदि रोगी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है तो दांत का संचरण होता है। इसके अलावा रोगी व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए जाने वाले तौलिया, वस्त्रों, कंघे, पर्दा कालीन, बाथरूम वॉशर, बर्तनों आदि को यदि स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करेगा तो उसको दाद होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। दाद के लक्षण, लगता है कि कभी ना कभी आपको भी दाद हुआ हो, या नहीं हुआ है तो किसी ने देखा होगा। इसमें बहुत सामान्य लक्षण होते हैं। इसमें लाल रंग के चक्रीय उभार आ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, इनमें तीव्र खुजली होती है। और कभी कभी खुजलाते खुजलाते ब्लीडिंग भी होने लगती है और स्वेलिंग आ जाती है और चिपचिपाहट आ जाती है। दाद के संक्रमण को टीनिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दाद के संक्रमण को टीनिया कहा जाता है और ये अक्सर ऐसी जगहों पर होता है जहां पर पसीने का जमाव हो जाता है, जो स्थान अधिक नम बने रहते हैं शरीर में, जैसे बगल, आर्म पिट जो है, जांघ में, बेल्ट बांधने का स्थान है, नाखूनों, पैरों की उंगलियों के बीच, ऐसी जगहों पर ये जल्दी हो जाता है। पैरों की उंगलियों में होने वाला कवक संक्रमण एथलीट फुट कहलाता है।
पैरों की उंगलियों में जो संक्रमण हो जाता है दाद का, उसको एथलीट फुट कहते हैं। इसके बाद संक्रामक रोगों की रोकथाम। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए दो तरीका, एक तो स्पेसिफिक मीजर यानी विशेष उपाय करें, दूसरे नॉन स्पेसिफिक मीजर जो अविशिष्ट उपाय, बहुत सरल उपाय हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के अविशिष्ट उपाय क्या हैं, नॉर्मल जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या हैं। तो सामान्य व्यवस्था यह है कि वैयक्तिक स्वच्छता और सामाजिक स्वच्छता है संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के आधारशिला है। जल जनित रोगों से बचाव के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छ खाद्य पदार्थ का उपयोग करें। वायु जन्य रोगों से बचाव के लिए खांसते छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचकर रहें, प्रतिदिन नहाएं, स्वच्छ कपड़े पहनें, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोएं ठीक से। सामुदायिक स्वच्छता क्या है? अपशिष्ट कूड़ा करकट के निपटारे की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है, क्योंकि गंदगी और कूड़े के ढेर ही रोग जनक के स्रोत होते हैं। सामुदायिक खान पान में मानक नियमों का पालन करना चाहिए, जलाशयों की नियमित सफाई, जल का क्लोरीनीकरण आवश्यक, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, कटे फल व खुले में रखी मिठाइयों, अस्वच्छता से तैयार फलों के रसों, इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए। खुले में शौच पर रोक होनी चाहिए, नालियों नालों की नियमित सफाई होती रहनी चाहिए। मच्छरों और मक्खियों से बचाव बहुत जरूरी है, इनके प्रजनन स्थल पर इनके जो मच्छर और मक्खियां जहां प्रजनन करते हैं वहां पर संभव हो तो मिट्टी का तेल आदि डालते रहना चाहिए या फिर ब्लीचिंग डलवाते रहना चाहिए। और कोई तालाब है तो उसमें गैम्ब्यूसिया मछली होती है जो मच्छरों के लार्वा को खा लेती है, गैम्ब्यूसिया ये मांसाहारी मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं, तो इस मछली को ऐसे तालाबों में पालना चाहिए। इसके बाद जो विशिष्ट उपाय हैं वो क्या हैं? किसी रोग विशेष की रोकथाम के लिए विशिष्ट उपाय टीके हैं, वैक्सीन्स ये स्पेशल मेजर्स हैं, विशेष उपाय हैं किसी बीमारी से बचने के लिए, जो कोई संक्रामक बीमारी है उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन सबसे उचित उपाय है। मलेरिया का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन वैक्सीनेशन के द्वारा लगभग किया जा चुका है। इसके अलावा संक्रामक रोगों की रोकथाम का एक और अच्छा उपाय है कि आम जनता को रोगों की प्रारंभिक जानकारी मिल जाए। संक्रमण किन विधियों से फैल रहा है, यदि लोगों को इसके प्रति जागरूक कर दिया जाए तो किसी भी महामारी पर काबू पाना आसान होता है। अगली एक और बीमारी है एड्स। एड्स के बारे में हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे, वीडियो बहुत बड़ी होने जा रही है, ये भाग दो है। अब एड्स और इसके आगे का जो विशेष बच गया है वो हम आपको भाग तीन में देंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़िए और इसके टेक्स्ट बुक में भी आप पढ़ाई करते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए। शेष फिर, थैंक यू।